हेलो फ्रेंड्स, मैं नितीश इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्ट्रीमर से घास को काटने की कोशिश करेंगे। क्या घास कट पाएगी स्ट्रीमर से फ्रेंड्स, जो कि बहुत पावरफुल ट्रिमर है। और हम इसी से इस धागे को भी काटेंगे फ्रेंड्स, इस शैम्पू के पैकेट को भी फाड़ने की कोशिश करेंगे और इस टेप को भी काटेंगे और इसको भी काट कर देखेंगे पेपर को, क्या ये ट्रिमर इन सब को काट पाएगा या नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम इनको साइड कर देते हैं। हम सबसे पहले एक पेपर को काटेंगे, तो हम इसको भी निकाल देते हैं और ट्रिमर की ब्लेड को कुछ आगे सेट कर लेते हैं 0.8 mm में। और इस पेज को अब अच्छे से खोल कर इसको काटने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, इससे स्ट्रीमर चालू हो गया है। ये सिर्फ इतना ही कटा है फ्रेंड्स, इतना, क्योंकि यहाँ पर ये फंस जाता है। तो चलिए और देखते हैं काटने की। और फ्रेंड्स, आगे जा ही नहीं पा रहा है ये, कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिख रहा होगा, इस प्रकार से आ जाता है ये फ्रेंड्स आप लोग को दिख रहा होगा, ये इस तरह से इस पेपर को काट देता है। सो फ्रेंड्स, अब हमने पेपर को तो काट चुका है, ये अच्छे से नहीं कट पा रहा क्योंकि ये फंस जाता है, यहाँ पर जब आता है तो ये फंस जाता है, इसलिए ये नहीं कट पाता है। एक बार और काट कर दिखा देते हैं। सो इस तरह से कुछ इसका रिजल्ट आया फ्रेंड्स हमारा। तो चलिए, अब शैम्पू की पैकेट को खोल कर देखते हैं कि आज ये पैकेट हमारी खुल पाएगी फ्रेंड्स या नहीं। तो चलिए इसको भी खोल कर देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, नहीं खुल पा रहा, इसमें भी सेम पेपर जैसे ही है, ये भी इसी तरह फट जाता है थोड़ा सा और ट्रिमर में फंस कर आगे नहीं कट पाता है। सो फ्रेंड्स, इसका भी रिजल्ट सेम पेपर जैसे ही रहा है, ये भी नहीं कट पाता है और यहाँ से सिंपली थोड़ा थोड़ा ये कट गया है यहाँ से ये। तो फ्रेंड्स, अब हम इस धागे को काटते हैं, ये बहुत आसानी से कट गया है ये फ्रेंड्स अच्छे से कट जाता है धागा। इसको 4-5 परत मोड़ देते हैं, फिर इसको भी काट कर देखते हैं क्या ये कट पाएगा और क्या नहीं कट पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे हमने ये 4-5 परत कर दिया है इतना, और अब हम इसे काटेंगे फ्रेंड्स। तो इसे अच्छे से मैं अपने उंगलियों में दबा कर अच्छे से टाइट कर लेता हूँ और अब मशीन चला देता हूँ फ्रेंड्स। ये इसे भी बहुत ही आसानी से ये काट दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट अपनी घास को काटेंगे फ्रेंड्स, जो कि थंबनेल में आप लोग देखे होंगे। अब मैं घास को काट रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मैं एक घास को ले लेता हूँ गमले से। सो फ्रेंड्स, मैं घास ले लिया हूँ और अब इसे काटते हैं। ये भी कट गई है फ्रेंड्स, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये कट गई है, ये मेरे हाथ में था, ये घास बहुत अच्छे से कट गई, जैसे बाल कट जाते हैं हम लोग के उसी तरह कट गई है। तो मैं क्या करता हूँ, अब गमले को ही ऊपर रख के आपको दिखाता हूँ ये कैसे कटता है। तो फ्रेंड्स, इस गमले को मैं ऊपर रख लिया हूँ और अब इसे काटते हैं घास को। ये फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छे से कट जाती है, आप लोग देख रहे होंगे। और मशीन बहुत हल्ला कर रही है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी मोटर ज़्यादा RPM की है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे ये घास भी बहुत अच्छे से कट जाती है इससे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे इतनी घास हमने इससे बहुत जल्द काट दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस टेप को भी काट कर देखता हूँ क्या ये टेप कट पाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ अपने उंगलियों में लगा कर। सो फ्रेंड्स, ये टाइट हो गया है और अब इसे काटते हैं हम। ये फ्रेंड्स, ये कट गया है, एक बार और काट कर देखते हैं इसे भी।
ये फ्रेंड्स मैं इसको हाथ में लगा लिया हूँ और अब काटते हैं। फ्रेंड्स इस बार भी अच्छे से कट गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।